सनफ्लावर ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ बेसिक शेप्स यूज करना है, इसलिए फर्स्ट हम 3 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट डाउन साइड 2 कर्व लाइंस ड्रॉ करना है। बड़े वाले सर्कल में फ्लावर के पेटल्स के लिए कुछ ओवल शेप्स ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट लीफ के लिए भी हमें ओवल शेप ही यूज करना है। बेसिक शेप्स के बाद फ्लावर का फाइनल ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। फ्लावर के ड्राइंग के बाद बड़ा वाला सर्कल हमें इरेज करना है। फाइनल ड्राइंग करते टाइम जो भी बेसिक शेप्स है वो स्टेप बाय स्टेप इरेज करते जाना है। कलरिंग के लिए फ्लावर के सेंटर में हमें सैप ग्रीन कलर यूज करना है। सेकंड वाले सर्कल के लिए ब्राउन कलर यूज करेंगे। सेंटर वाले सर्कल को डार्क ब्राउन कलर से आउटलाइन करके इनसाइड स्टेप बाय स्टेप शेडिंग करना है। सेंटर में लाइट शेडिंग के लिए लेमन येलो कलर यूज करना है एंड नेक्स्ट ब्राउन शेड में डॉट डॉट के टेक्सचर दिखाना है। सनफ्लावर के पेटल्स के लिए फर्स्ट हम लेमन येलो कलर यूज करेंगे। नेक्स्ट ऑरेंज कलर यूज करके हम स्टेप बाय स्टेप शेडिंग करेंगे। शेडिंग करते टाइम ब्रश हमें थोड़ा सा ड्राई रखना है।
फ्लावर के स्टेम के लिए फर्स्ट हम सैप ग्रीन कलर लाइट शेड में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट डार्क ग्रीन कलर से स्टेप बाय स्टेप शेडिंग करेंगे। लिप के लिए फर्स्ट हम लेमन येलो कलर यूज करेंगे। येलो कलर ड्राई होने के बाद हमें डार्क ग्रीन कलर यूज करना है। डार्क ग्रीन कलर कंप्लीट होने के बाद कलर ड्राई होने से पहले ब्रश के अपोजिट साइड से लीफ के जो टेक्सचर है वो हमें दिखाना है। तो सनफ्लावर जैसे और भी नेचर ऑब्जेक्ट हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं।